ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर एक ऐसा शहर है जहां लगभग हर गली में नशा करने वाले मिलेंगे। आए दिन नशेड़ियों के बीच मारपीट, धारदार हथियारों से वार की खबरें सामने आती हैं। लगभग कुछ महिलाएं भी हैं जो नशे का कारोबार करती हैं। यहां तक कि कुछ मासूम बच्चे भी हैं जो नशे की चपेट में हैं। मगर अब वही मुंब्रा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में लगातार एमडी चरस, गांजे के तस्करी करने वाले लोगों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। जिस तरह से शहर में अब तक नशे की चपेट में लोग थे, मगर अब मुंब्रा पुलिस द्वारा जिस तरह से नशे के सौदागरों की धरपकड़ की जा रही है, उससे लगता है कि क्या मुंब्रा पुलिस के इस अभियान से मुंब्रा शहर नशा मुक्त हो पाएगा। मुंब्रा पुलिस ने एक बार फिर 41 किलो गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इस्माइल शेख 24 वर्ष, जो नया नगर मीरा रोड का रहने वाला है, तो वही सलीम आलम शेख 32 वर्ष, जो सायन का रहने वाला है। मुंब्रा पुलिस के एनडीपीएस के उदय किरपन को जानकारी मिली थी कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास एम गेट पर दो व्यक्ति नशीला पदार्थ तस्करी करने आने वाले हैं। इसकी जानकारी डीसीपी सुभाष बुरसे, एसीपी रमेश धुमाल, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ को दी गई और इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक एमजी मुजावर, पुलिस उपनिरीक्षक संजय गलवे, उदय किरपन, भूषण खैरना, योगेश पाटिल, छोटू दभाडे मुंब्रा एम गेट पर घेराबंदी कर मोहम्मद इस्माइल शेख और सलीम शेख को 41 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इसकी कीमत 7,38,000 रुपए बताई जा रही है। कंफर्म न्यूज आया था कि कोई दो इसम गांजा लेके स्टेशन के तरफ आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन के आधार पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर भी आए, उनके सब साथी अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर ट्रैप लगाया। करीब 4 बजे के समय दो इसम को पकड़ा गया और उनके कब्जे से 41 किलो का गांजा बरामद किया गया। उसका कीमत 7,38,000 के करीब है। और जो दो आरोपी पकड़े गए वो एक सायन से और एक मुंब्रा से, एक का नाम है मोहम्मद शेख और दूसरा है सलीम शेख। मुंब्रा पुलिस स्टेशन का जो नशीले के दवाइयाँ और नशीले चीज़ों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसका एक और एक कारण पुलिस ने ये कर। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि मुंब्रा शहर में किसे देने के लिए लेकर आए थे। क्या इनके साथ और भी लोग हैं जो मुंब्रा शहर में नशीला पदार्थ की तस्करी करते हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है, मगर क्या मुंब्रा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में मुंब्रा नशा मुक्त हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ तस्करी करने आने वाले ही नहीं, शहर में कौन है जो इनसे नशीला पदार्थ की खरीदारी करता है, इसकी भी गिरफ्तारी होना जरूरी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।